बात हुई सलमान भाई और राज नायक के बीच में, जिसमें बिल्कुल पता लगा कि कितने लोग सिफारिश लेकर आते हैं राज के पास, कितने लोग सिफारिश लेके आते हैं सलमान भाई के पास, और कितना मुश्किल हो जाता है उनसे पीछा छुटाना। पर राज और सलमान ने जरूर बोला कि तीन ऐसे लोग हैं जिनका सबसे है मेजर हार कंटेस्टेंट सिलेक्ट करने में, वो कौन है? पीपोय Uncover the hidden. नमस्ते नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है उस चैनल में जिसका नाम है पीपोये। मैं हूं आकाश और मैं करता हूं पर्दा पाश। और शुरू हो गया है बिग बॉस सीजन 11 के रिव्यूज का दौर। बस 2 दिन बचे हैं और हमने सोचा इस पॉडकास्ट को शुरू करें 2 दिन पहले। और हर रोज अगर आप पीपोए वायरल से यहाँ आए हैं, पीपोए वायरल पे हमारे सब्सक्राइबर रह चुके हैं, तो आपको पता होगा आकाश भाई ने कहा था कि जब बिग बॉस 11 शुरू होगा तो हर दिन करेंगे दिन का रिव्यू, कैसा था माहौल, क्या गलत क्या सही, उसकी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रीजन ये है कि जब अंदर इतने लोग होते हैं, एक ऐसा माहौल होता है जिसमें इतने कैमरास होते हैं, तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए एक प्लेटफॉर्म जरूरी है कि हम डिस्कस करें, अग्री करें, डिसएग्री करें कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो वो सारा मसाला, वो सारी डिस्कशन, वो सारा रिव्यू हर रोज करेंगे इसी चैनल पे आकाश भाई। और साथ ही साथ वीकेंड के वार से पहले, जो सलमान भाई का वीकेंड का वार होता है, जो एलिमिनेशन होता है, उससे पहले आकाश भाई करेंगे यहाँ आकाश भाई का वार। और करेंगे हर हफ्ते कॉन्टेस्ट एलिमिनेशन पर, आपसे पूछेंगे कि कौन आपको लगता है एलिमिनेट होंगे, और अगर आपका जवाब होगा तो आप जीत जाएंगे फिर एक प्राइज आकाश भाई की तरफ से। धीरे धीरे जैसे ही हफ्ते गुजरते जाएंगे प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे। तो करिए सब्सक्राइब चैनल को और जुड़िए हमारे साथ इस जर्नी में, बिग बॉस 11 की जर्नी में, जिसमें हर दिन हम जिएंगे बिग बॉस के घर को और बहुत सारी न्यूज और बहुत सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखिए, 2 रीजन है इस पॉडकास्ट को करने के, इस रिव्यू को करने के हर दिन। एक, जो कम्युनिटी है, बिग बॉस के फैंस हैं, जैसे कि हम लोग चर्चा करें, डिस्कस करें, अग्री करें क्या ठीक हुआ क्या गलत हुआ। और दूसरा, इस सीजन से कुछ लर्न करें जिससे नेक्स्ट सीजन में और अगले और शोज के लिए प्रिपेयर करने की जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उन पे फोकस कर पाएं। तो हर दिन आपको आकाश भाई एक डोज देंगे जिससे आप अपने नेक्स्ट ऑडिशन, नेक्स्ट सीजन में या किसी और टीवी शो के ऑडिशन में ज़रूर उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के पॉडकास्ट के टॉपिक पे। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है जो सलमान भाई ने करा लॉन्च या प्रेस कॉन्फ्रेंस बिग बॉस 11 का तारापुर सोसाइटी में, जो होस्ट किया जेमी लीवर, जो बेटी हैं जॉनी लीवर की, बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, और सलमान भाई ने बहुत सराहा उनको जब ये लॉन्च पार्टी शुरू हुई। और उसके बाद कई लोग आए, मिस तारापुर आई और कई लोग आए जिनके साथ सलमान भाई ने कुछ एक्टिविटीज करी। और सलमान भाई ने ये भी बताया कि उनके पड़ोसियों के साथ उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। और उसके बाद आए स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स में सबसे पहले आई नादिया चौहान, बहुत सुंदर है, बहुत जितने विचारों से सुंदर है उतनी ही सुंदरी लगती भी है। और कौन है वो? वो है एपी फिज पार्ले मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने बताया कि क्यों जुड़ गई हैं वो फिर से बिग बॉस 11 के साथ। और फिर आए और स्पॉन्सर्स जैसे विल ओपो से, जैसे योगेश सीपी प्लस से, और उन्होंने भी बताया कि क्यों वो बिग बॉस 11 से जुड़े हुए हैं, क्यों उनको लगता है ये पार्टनरशिप है बहुत सक्सेसफुल। फिर आए दीपक, दीपक कौन है? दीपक धर, जो कि एंड मॉल शाइन इंडिया के सीईओ हैं। तो उन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म, ये सीजन बहुत अलग होगा। और सबसे ज्यादा सलमान भाई के साथ समा बांधा राज नायक ने, जो कि सीईओ है कलर्स टीवी के। उन्होंने बताया कि कैसे ये सीजन डिफरेंट होगा, और उन्होंने बताया कि कौन से हैं वो लोग जिनका है सबसे बड़ा हाथ इन कॉमनर्स को सिलेक्ट करने में, इन सेलिब्रिटीज को सिलेक्ट करने में। और एक बात हुई सलमान भाई और राज नायक के बीच में, जिसमें बिल्कुल पता लगा कि कितने लोग सिफारिश लेकर आते हैं राज के पास, कितने लोग सिफारिश लेके आते हैं सलमान भाई के पास, और कितना मुश्किल हो जाता है उनसे पीछा छुटाना। पर राज और सलमान ने जरूर बोला कि तीन ऐसे लोग हैं जिनका सबसे है मेजर हार कंटेस्टेंट सिलेक्ट करने में, वो कौन है? दीपक धर के अलावा 2 और लोग, वो हैं मनीषा शर्मा, शीतल और
देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये लोग और इनको फॉलो करना चाहते हैं सोशल हैंडल्स पे, तो उनके सारे लिंक्स सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के आप देखेंगे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करिए और मे बी आपको कुछ इनसाइड न्यूज मिल जाए। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जो हुई बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसमें कई ऐसे सवाल पूछे गए जो कि बताते हैं कुछ अंदर की न्यूज के बारे में। तो वो क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि सलमान भाई कितना लेते हैं अंदर एक एक एपिसोड का। तो किसी ने बताया 13 करोड़, और जिस पे सलमान ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में पूछा राज से कि क्या आप देते हैं मुझे इतना, अगर नहीं तो प्लीज दे दीजिए। और राज ने बोला सलमान डजंट कम सो चीप, बहुत अच्छे ढंग से आंसर किया। उसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल किया दीपक से एक जर्नलिस्ट ने, जिसमें उन्होंने दीपक से पूछा कि क्या और होंगे इस बार अंदर के रूल्स, जिस पे दीपक ने कहा कि जो रूल बुक होती है वो बाइबल होती है और हमेशा एवरीबडी प्लेस बाय दैट रूल बुक, और इस बार भी होंगे कुछ बहुत बहुत पक्के रूल्स। और देखिए सारी बातों में, सारे सवालों में एक चीज जो उभर के सामने आई वो ये आई कि जो थीम है वो है पड़ोसियों का। और ये थीम कैसे, एक और बड़ा सवाल लोगों ने पूछा कि थीम कैसे आया, जिस पे दीपक ने बोला, जिस पे राज ने बोला कि ये क्रिएटिव टीम है, ये क्रिएटिव टीम है जो बैठती है, ब्रेनस्टॉर्म करती है और सोचती है, लेकर आती है नए नए आइडियाज, और ये जो आइडिया है नेबर्स का, सबको यूनानिमसली लगा कि इसमें हो सकता है बड़ा मसाला क्रिएट, और इसलिए ही ये सीजन में नेबर्स का थीम चुना गया। और इसमें होंगे नेबर्स, शायद नेबर्स कॉमनर्स होंगे और शायद सेलिब्रिटीज को तंग करेंगे या वैसा वर्षा। पर आपको और हमको सबको पता है कि बाय द सेकंड वीक ये जो सारे थीम्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और घर एकजुट हो जाता है। तो क्या इस बार भी यह होगा, आप बताइए कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं। और आपको क्या लगता है सलमान भाई कितना लेते हैं इस एपिसोड में, जरा इस सवाल का भी जवाब बताइए आकाश भाई को, आपको क्या लगता है। तो इन सवालों के जवाब जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। और अगर ये पॉडकास्ट अगर हर दिन होगा तो वो एक अच्छी डिस्कशन होगी, मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिग बॉस तो सब देखते हैं, पर यहाँ आके उसके बाद जरा टिप्पणी करने में बहुत मजा आएगा, वो भी आकाश भाई के साथ। और कई बार लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, कई बार ऐसे पॉडकास्ट करेंगे, कई बार वीडियोज करेंगे, बहुत कुछ आगे आने वाला है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट, प्राइजेस टू बी वन। और इट्स नॉट अबाउट प्राइजेस टू बी वन गाइज, इट्स अबाउट प्लेइंग द गेम। जिस शो को देखने में बहुत मजा आता है उसके साथ जुड़े रहें, एक और प्लेटफॉर्म मिले उसमें खेलें, कॉन्टेस्ट, टिप्पणी करें, डिबेट करें, थोड़ा और इस सीजन को इंटरेस्टिंग बनाएं तो लुत्फ कुछ ज्यादा ही आएगा। और इसके साथ साथ बहुत लर्निंग होगी अगले शोज के लिए, अगले सीजन के लिए, और टीवी शोज के लिए, जैसे स्प्लिट्सविला, जैसे रोडीज, उनके लिए हम क्या सीखने को मिलता है, क्या करना चाहिए जब जाते हैं ऑडिशन या ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर जहां कई लोग हमको देखते हैं, तो क्या चीजें हो जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस सीजन को रिव्यू करते करते। और बहुत बहुत मजा आने वाला है, जुड़े रहिए आकाश भाई के साथ, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, चीयर्स एंड गुड बाय।